नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर में नवनिर्मित एलिवेटेड कॉरिडोर पर लगातार बाइक स्टंट की खबरें सामने आती रहती, और इसी बीच एक और खबर आई थी जिसमें ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक स्टंटबाज करतब करते दिख रहा था। सागर पुलिस ने आखिरकार उस युवक को जेसी नगर से पकड़ लिया है। जी हाँ, सागर में नए बने एलिवेटेड कॉरिडोर पर युवक को बाइक से स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई और तलाश करते हुए स्टंटबाज युवक को बाइक सहित जेसी नगर से पकड़ लिया गया है। सागर के बस स्टैंड के पास तालाब में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। एलिवेटेड कॉरिडोर पर ट्रैफिक शुरू होने के बाद से ही कुछ युवक यहां आए दिन स्टंटबाजी करते नजर आ जाते हैं। इसी बीच एक स्टंटबाज युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इसमें वह युवक बाइक से एलिवेटेड कॉरिडोर पर स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। आसपास से लोग भी गुजर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई और वीडियो को संज्ञान में लिया गया। वीडियो में बाइक का नंबर स्पष्ट हालांकि नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने जांच शुरू की। टीम बनाकर युवक की तलाश शुरू की गई और छानबीन के बाद पुलिस टीम ने जैसी नगर से युवक को बाइक सहित दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली है और उसे सागर लाया गया। यातायात डीएसपी अखिलेश तिवारी ने बताया कि स्टंटबाजी करने वाले युवक को जैसी नगर से पकड़ा है। उसने अपना नाम माधव काची बताया है। मामले में बाइक जब्त कर युवक के लाइसेंस की जाँच की जा रही है। जाँच के आधार पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स।